हरियाणा के फतेहाबाद के बॉर्डर से सटे जाखल के मूनक में अध्यापिका की दर्दनाक का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें कि सोमवार को शाम को हुए इस हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया। आपको बता दें कि हादसे में ट्रक निजी स्कूल की शिक्षिका बबीना को कुचल दिया। वह बस और ट्रक के बीच फंसी थी। हादसे में जहां उसकी मौत हो जाती है, वहीं उसकी स्कूटी जल जाती है। आसपास के लोगों ने स्कूटी में लगी आग को बुझा पैच वहीं आसपास के लोगों ने स्कूटी में लगी आग बुझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। बताया गया है कि जालक मंडी के राजकीय स्कूल में कार्यरत संदीप कुमार की पत्नी बबीना हमीरगढ़ के एक निजी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी। वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी स्कूटी से जाखल लौट रही थी। मूनक के ताबिल चौक के पास वह स्कूल की साइड से निकल रही थी, तो इस दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। बबीना अपनी स्कूटी समेत गिर जाती है और स्कूटी में आग लग जाती है। आपको बता दें कि वहीं आसपास के लोग स्कूटी में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह पूरी तरीके से जल जाती है। वहीं शिक्षिका को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के पति के साथ अपने पीछे 4 साल के बेटे को भी छोड़ गई। आपको बता दें कि तालिब चौक के पास हुआ यह दर्दनाक हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। इससे साफ दिख रहा है कि ट्रक ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही स्कूटी जमीन पर जा गिरी और उसमें आग लग गई। बबीना स्कूटी से कुछ दूर जाकर गिरी, लेकिन वह मौत को चकमा नहीं दे पाई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। आपको बता दें कि मूनक क्षेत्र के DSP मनोज कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।